इसके अंदर एग्स आना चालू हो चुके हैं। पहले तो मटकियां चेक कर लेते हैं, इसलिए इस वीडियो को आज ही पोस्ट करना पड़े। इतने जल्दी अंडे कैसे आए जाने इसका कारण, क्योंकि बांधते बांधते जब ये चीजें होती हैं तो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरी मटकियां चेक कराऊंगा, जो हमने बनाया था वही है। मात्र 7 दिन में अंडे, मतलब कि बर्ड्स के चोंच के जो निशान है वो इस एजेस पे आपको दिख जाएंगे। इतने जल्दी अंडे पहली बार, आपको बांधने का भी तरीका दिखा रहा हूँ। आज लगाएंगे कैल्शियम ब्लॉक। आज तक भोपाली बर्ड्स लवर्स पे भी इतने जल्दी अंडे नहीं आए। सो हेलो गाइज, मैं हूँ रोहित गुप्ता भोपाल से, और वेलकम करता हूँ आपका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल भोपाली बर्ड्स लवर्स में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपका इंतज़ार हुआ खत्म, और मात्र 7 दिन के अंदर जो हमारी यहाँ पर मटकी हमने लगा कर रखी है उसके अंदर एग्स आना चालू हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, लगभग 8 से 9 दिन ही लगेंगे, तो 8 से 9 दिन से भी कम लगे हैं, मतलब कि मात्र 7 दिन लगे हैं, और 7 दिन के बाद ही हमारी इन मटकियों के अंदर एग्स आना स्टार्ट हो गए हैं। हुआ ये कि मैं यहाँ पर सुबह कॉलोनी में दाना पानी वगैरह करने आया था, तो मैंने देखा यहाँ पर मटकी के अंदर मुझे मात्र 7वें दिन जो है पहला एग दिख गया है। एक ही मटकी मैंने देखी है, पूरी मटकी आप सभी के साथ चेक करेंगे। और जो हमने कल कैल्शियम ब्लॉक बनाए थे, जो वीडियो कल आया है, तो ये वीडियो आज ही 4 तारीख है, और 4 तारीख को ही ये वीडियो मुझे यहीं पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 1-2 दिन बाद पोस्ट करूंगा तो फिर वो आपके लिए 8वां या 9वां दिन हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आज ही पोस्ट करना पड़ेगा। ये आज ही सुबह सुबह का समय हो रहा है, अभी यहीं पर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 9 से 10 बजे के बीच में, और ये वीडियो 1 से 2 घंटे के बीच आपके बीच आ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितने जल्दी ब्रीडिंग होती है, तो यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सभी मटकियाँ फटाक से मैं आपको चेक कराता हूँ। और यहाँ पर हमारे जो कैल्शियम ब्लॉक्स थे, ये देखिए ये बनकर तैयार हो गए, बहुत सारे नीचे रखे, तो इन्हें भी मैं कॉलोनी में आपको अभी लगा कर दिखाऊंगा किस तरह से हमें कॉलोनी में बांधना है। अभी देखिए एकदम ये पूरे यहाँ पर साबुत से हैं, और लगाने के आधे घंटे के बाद यहाँ से इन्हें थोड़ा थोड़ा जो हमारे बर्ड्स हैं वो खाना स्टार्ट कर देंगे, और आपके सामने ही हो सकता है लगाते लगाते भी खाने लगें। तो जो भी होगा वीडियो में होगा, वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। जिन दोस्त भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए एक लाइक। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, ये है मेरी बजीज पैरोट की कॉलोनी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों और बजीज पैरोट मटकियों के अंदर अपना अपना डेरा डाले बैठे हुए हैं। मैं क्लोजली आपको दिखा देता हूँ, यहाँ कुछ बजीज पैरोट जो है इस पिंजरे के ऊपर मस्ती कर रहे हैं, बहुत सारे बजीज पैरोट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक बैठे हुए हैं, और बहुत सारे मैक्सिमम फीमेल जो है मटकियों के अंदर हैं, क्योंकि एग्स आना होगा स्टार्ट। मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतने जल्दी अंडे आने लगेंगे। अभी मैंने केवल एक मटकी देखी है जिसके अंदर अंडे आए हैं, बाकी मटकी मैंने भी नहीं देखी है। तो आप ही के साथ देखेंगे, आप ही के साथ जानेंगे कि क्या हो रहा है इस वीडियो के अंदर, और क्या क्या बर्ड्स ने प्रोग्रेस करी है, सब कुछ आप ही के सामने होगा जो होगा। तो जितनी भी मटकी हैं वो मैं आपको सभी को चेक करा देता हूँ। केवल मुझे तो एक ही मटकी का पता है, तो मैंने सोचा आपसे वादा किया था कि एक भी मटकी में अगर अंडा आएगा, और एक ही अंडा आएगा, तो मैं वीडियो बना दूंगा और आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा कि वीडियो बन चुका है और अंडे भी आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे जो कैल्शियम ब्लॉक जो हमने कल बनाए थे वो बनकर पूरी तरह तैयार हैं, आप देख लीजिए, सूखे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल ही बने हैं ये, पर लगाना इनको भी ज़रूरी है, क्योंकि अंडे तो आना स्टार्ट हो ही गए। हमने कैल्शियम वगैरह देना पहले से स्टार्ट कर दिया था इन्हें, जिस दिन हमने मटकी लगाई थी उसी दिन से कैल्शियम, और 3 दिन के बाद फिर हमने मल्टी विटामिन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो फटाफट से हम पहले तो मटकियाँ चेक कर लेते हैं, उसके बाद इन स्टिक्स के ऊपर यहाँ से लेके वहाँ तक जो है हम पूरे के अंदर कैल्शियम ब्लॉक बांध देंगे। और कैल्शियम ब्लॉक बांधने के बाद देखिएगा आप कितने जल्दी, कई लोगों का जो सवाल होता है कि हमारे बर्ड कैल्शियम ब्लॉक नहीं खा रहे हैं, तो उनकी हैबिट डालनी पड़ती है, उनको डरना बिल्कुल आपको जो है ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद वो खाते हैं। आप देखिएगा, हो सकता है आपके सामने मैं कैल्शियम ब्लॉक बांध के फ्री हूँ, और उसके तुरंत बाद हो सकता है ये यहाँ पर इसको खाना भी स्टार्ट कर दें। तो जो होगा आपके सामने होगा, वीडियो के साथ बने रहें। फटाफट से पहले मैं आपको मटकियाँ चेक कराता हूँ जिसमें मैंने एग देखे। तो ये जो 16 नंबर मटकी है, देखिए ये 16 नंबर मटकी, इसके अंदर वाइट कलर की फीमेल मैंने आपको कल भी दिखाई थी, आज फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि आज अंडे के साथ में ये यहाँ पर बैठी हुई है। तो देखिए अब ये डरना होगा ये थोड़ा सा कम, क्योंकि इसके अंदर इसके अंडे भी रखे हुए हैं। तो ये देखिए अभी मैं इसको दिखाता हूँ, एक ही अंडा था जो कि मैंने देखा था। अभी देखिए आप फीमेल अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हट रही है, ये होता है जब ये एग दे देती हैं, तो थोड़ा सा इसको हमको हटाना पड़ेगा। ये देखिए पहला अंडा, जी हाँ दोस्तों, कॉलोनी का, सीजन का, ब्रीड का पहला अंडा आप सभी के बीच आ चुका है, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे भी ये दिखाते हुए कि पहला अंडा इतनी जल्दी आ गया है। और बाकी की मटकियों में तो मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है, तो जो होगा आप सभी के सामने होगा। आइए ऊपर वाली मटकी चेक करते हैं। वैसे तो मैं हर बार जब मटकियाँ चेक कराता हूँ तो 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पर आज मुझे जब अंडा पहला यहाँ दिखा है तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। पर फिर से जो हमारी प्रोग्रेस स्टार्ट होती है 1 नंबर से ही हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से लेकर वहाँ तक हम आएंगे। 16 नंबर मैंने आपको दिखा दिया, इसके अंदर तो अंडा आ चुका है, और देखते हैं किस किस मटकी में अंडा आया, क्योंकि सभी फीमेल एग पर है। देखिए वो फीमेल जो ग्रीन कलर की वहाँ पर बैठी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इसके पैरों के बीच में आपको अंडे जो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा झोल टाइप का, यहाँ पर अंडे बन चुके हैं, मतलब कि पैर के बीच में भरी भरी सी कुछ जगह हो गई है, अंडे वगैरह आना स्टार्ट हो चुके हैं।
तो ये हमारी दूसरी मतलब पहली मटकी है, एक नंबर। दूसरी इसलिए क्योंकि वो चेक करा चुके हैं तो इसमें नहीं आया अंडा। आइए अगली मटकी चेक करते हैं, जल्दी जल्दी इसलिए कराऊंगा क्योंकि अंडे किसी में भी अभी नहीं आए होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ही है, सातवां दिन है। अंडे मात्र 15 दिन के अंदर सभी मटकियों में आ जाएंगे अगर आना होंगे तो। ये देखिए ये खाली है मटकी, इसके बाद वाली मटकी देखते हैं। यहाँ पर फीमेल बैठी तो है, देखते हैं इसको हटा के हल्का सा। अंडे तो मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, आपके साथ ही देखूंगा जो भी देखूंगा। तो अभी नहीं आया अंडे पर, अंडे पर है ये फीमेल तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फटाफट से इस वाली मटकी को चेक कर लेते हैं, इसमें भी एग वगैरह नहीं आएंगे। देखिए पीछे करके मैं थोड़ी सी फीमेल को देखने की कोशिश करता हूँ, नहीं है इसमें भी नहीं है अंडे दोस्तों। और यहाँ पर देखते हैं हम अंडे वगैरह आए हैं कि नहीं आए, तो इसमें भी नहीं है एग। यहाँ पर ये वाइट वाली फीमेल है और काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो रही है फीमेल, इसने भी अंडे नहीं दिए हैं इतनी जल्दी, तो भगती नहीं है यहाँ से फीमेल है। यहाँ पर भी एक फीमेल बैठी है, हो सकता है इसने एग वगैरह दिए हों, मैं देखता हूँ। इसने एक अंडा मुझे लग रहा है इसके पैर के पास है, मैं इसको हटा के कोशिश करता हूँ दिखाने की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर अंडा आ चुका है। नहीं है दोस्तों अंडा नहीं है, वो तो पर है, पंख का टुकड़ा। यहाँ पर भी अंडे नहीं आए हैं, यहाँ पर भी नहीं है अंडे अभी, तो यहाँ भी नहीं है। तो अभी अंडे वैसे मैंने जैसा कि आपको बताया था सब में अंडे नहीं आए होंगे, एक ही फीमेल है जिसने अंडे दिए हैं, बाकी 8 दिन तो लगते ही लगते हैं। पर हमारे यहाँ 7 दिन में ही पहला अंडा आ गया, जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो देख लीजिए मैं पूरी मटकी जल्दी जल्दी इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी चेक करना है और आपको भी दिखाना है, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस बर्ड्स को भी ना हो और आपको भी ज़्यादा टाइम वीडियो पर ना देना पड़े। तो देख लीजिए अभी किसी भी मटकी में अंडा नहीं है, केवल इस मटकी को छोड़कर। तो यहाँ पर ब्रीडिंग हो गई हमारी कॉलोनी में स्टार्ट, पर ऐसा नहीं है कि किसी भी मटकी में अंडे नहीं है तो आएंगे नहीं, मात्र 2 से 3 दिन में इन सभी मटकियों में एक एक अंडा आ जाएगा जिसके अंदर फीमेल्स बैठी हुई हैं। अब देखिए फीमेल बाहर निकल गई हैं तो आपको बर्ड्स भी बहुत सारे दिख रहे होंगे, हमने मटकियाँ चेक करी तो फीमेल उड़ उड़ कर बाहर आ चुकी हैं। तो फटाक से अब हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे यहाँ पर कैल्शियम ब्लॉक अवेलेबल है इन्हें लगा देते हैं, और कैसे बांध रहे हैं हम, क्या लगाने के बाद प्रोग्रेस हो रही है, ये सभी आपके सामने ही आँखों के हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब हम फटाफट से लगाना स्टार्ट कर देते हैं हमारे ये कैल्शियम ब्लॉक्स, और कैल्शियम ब्लॉक्स में आपको दिखा देता हूँ जो हमने बनाया था वही है। एक तार हमने इसमें बीच में डाला था, 2 तार भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर इसको हमको बांधना कैसे ये देखिए मैं आपको बांधने का भी तरीका दिखा रहा हूँ, और बांधने के बाद बर्ड की जो रिएक्शन रहेगा वो भी दिखाता हूँ। तो एक प्लास की मदद, ये प्लास जो होता है इस टाइप का ले लेंगे और इसकी मदद से जो है अपने कैल्शियम ब्लॉक को यहाँ पर होल्ड करा देंगे किसी भी स्टिक्स के ऊपर, किसी भी डंडी के ऊपर। तो इस तरह से ये लॉक हो जाएंगे, और लॉक होने के बाद बर्ड जो है ना बड़े ही शौक से खाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि हमारे जो कॉलोनी में बर्ड को कैल्शियम की कमी है वो तो नहीं होगी। तो ये हमारा पहला कैल्शियम ब्लॉक है, ये यहाँ पर बन गया है और बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा है तो पिछला वीडियो जाकर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है। अभी मैं इसको आपको क्लोज से भी दिखाऊंगा, पहले मैं पूरे जो कैल्शियम ब्लॉक है यहाँ पर आपको बांध कर दिखा देता हूँ। लगभग हमारे पास यहाँ पर 6 से 7 कैल्शियम ब्लॉक यहाँ पर अवेलेबल है, तो हमें पहले तो सबसे पहले 4 कोनों पर 4 कैल्शियम ब्लॉक बांध देंगे, 2 जो एक्स्ट्रा बचेंगे उसको इधर उधर कहीं भी बांध देंगे। तो एक कैल्शियम ब्लॉक तो हमने ये बांध दिया है, 2 कैल्शियम ब्लॉक हम वहाँ पर बांधेंगे उस कॉर्नर पे। देखिए आप वो कॉर्नर जो आपको दिख रहा होगा वहाँ बर्ड्स वगैरह बैठे हैं, तो वहाँ तक मैं आपको क्लोजली ले चलता हूँ। आज वीडियो बनाने का काम भी मेरे पास ही है और काम करने का काम भी, आज पापा जी थोड़ा सा व्यस्त हैं जिस कारण से आज मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, तो आज आप लोग सभी मैनेज कर लीजिएगा। तो ये दूसरा कैल्शियम ब्लॉक हमारा जो है, ये दूसरा कैल्शियम ब्लॉक हम यहाँ पर बांधने जा रहे हैं। देखिए बर्ड्स जहाँ पर ज़्यादा बैठते हैं, यहाँ पर बहुत भीड़ थी अभी मेरे आने से भीड़ छट गई है, तो जहाँ पर आपके बर्ड ज़्यादा बैठते हैं वहाँ पर कोशिश करें कैल्शियम ब्लॉक वगैरह जो आप देते हैं या फिर कोई भी आप ग्रीनरी फूड जो आप देना स्टार्ट करते हैं और आपके बर्ड नहीं खाते हैं, तो ऐसी जगह दें उनको, ऐसी जगह प्रोवाइड करें जहाँ पर वो ज़्यादा बैठते हों, ज़्यादा भीड़ लगती हो, जिससे कि होगा ये कि अगर आप ज़्यादा बर्ड्स के बीच में अगर उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो वो खाने में डरेंगे नहीं। लोग क्या करते हैं जैसे कि अब आपके पास कम बर्ड हैं तो आप उन्हें नीचे ही ग्रीन फूड डाल देते हैं, आप उनकी मटकी पर ग्रीन फूड रख दीजिए तो वो ग्रीन फूड भी खाएंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बताने की उतनी ज़रूरत नहीं, आप लोग भी बहुत अच्छे मास्टर हो चुके हैं बजीज के। तो ये सेकेंड कैल्शियम ब्लॉक बांध दिया है, अब बांधते हैं थर्ड कैल्शियम ब्लॉक। थर्ड वाला हम यहाँ पर नीचे बांधेंगे, तो ये बन गया हमारा तीसरा कैल्शियम ब्लॉक, ये बांध दिया हमने चौथा कैल्शियम ब्लॉक, ये बांध दिया हमने हमारा 5वां कैल्शियम ब्लॉक। ये देखिए दोस्तों हम 6ठा कैल्शियम ब्लॉक बांधने ही जा रहे थे, और मैंने आपसे कहा था कि कैल्शियम ब्लॉक बांधते ही बांधते हमारे बर्ड्स जो है उसे खाना स्टार्ट कर देंगे। वो देखिए पीछे एक बर्ड आपको वहाँ दिख रहा होगा, वो भी कैल्शियम ब्लॉक को खा रहा है, और यहाँ पर एक बर्ड जो है ये भी कैल्शियम ब्लॉक को खा रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके कोशिश करता हूँ दिखाने की, क्योंकि बांधते बांधते जब ये चीज़ें होती हैं तो दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कुछ 2-3 बर्ड वहाँ पहुँच गए हैं और डर बिल्कुल भी नहीं रहे। आप देखिए जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था वो यहाँ पर मेरे सामने हो गई, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कैल्शियम ब्लॉक बांधे हुए मात्र अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ मेरे हाथ में, देखिए यहाँ पर दूसरा कैल्शियम ब्लॉक है अभी बांधने के लिए, और वहाँ पर देख सकते हैं आप वो कैल्शियम ब्लॉक खाना स्टार्ट हो गए। मतलब कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारे बर्ड्स को कैल्शियम ब्लॉक खाने की, और अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लोज से दिखाऊंगा कैल्शियम ब्लॉक। मैं जूम आउट कर दूं ज़रा,
तो मैं बहुत ज़्यादा क्लोज से आपको कैल्शियम ब्लॉक दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि बर्ड्स ने उसे कितना खाया है। मतलब कि बर्ड्स के चोंच के जो निशान है वो इस एजेस पे आपको दिख जाएंगे। देखिए अभी ये एज है, यहाँ पर बिल्कुल चिकनी एज आपको दिख रही होगी, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी कटा पिटा नहीं दिख रहा होगा। पर जब हमारे बर्ड्स इसको खाएंगे तो वो बिल्कुल ही वहाँ से आप देख लीजिएगा पूरा अलग ही दिखेगा कि बर्ड्स ने इसे खा लिया है। हमारा लास्ट कैल्शियम ब्लॉक बांधते हैं और उसके बाद आपको पूरे कैल्शियम ब्लॉक दिखाएंगे कि किस कैल्शियम ब्लॉक को हमारे बर्ड्स ने खाया है और किसे नहीं खाया है। तो ये बांध दिया है हमारा छठवां लास्ट कैल्शियम ब्लॉक। सो गाइज, हमारे पूरे कैल्शियम ब्लॉक यहाँ से लेकर वहाँ तक बंध चुके हैं और कैल्शियम ब्लॉक बनने के बाद आप देख सकते हैं हमारे बर्ड्स उसे खाना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पर हमारे कुछ बर्ड हैं जो कैल्शियम ब्लॉक को बड़ा ही शौक से खा रहे हैं, वहाँ पर कुछ बर्ड हैं। और मैं अब आपको क्या है कि थोड़ा सा मुझे बर्ड को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, पास जाकर कैल्शियम ब्लॉक दिखाता हूँ मैं आपको कितना ज़्यादा बर्ड ने इसको शौक से खाया, जबकि अभी लगाने के बाद एक मिनट भी नहीं हुआ मैं खड़ा हुआ हूँ ये लास्ट कैल्शियम ब्लॉक यहाँ पर लगाने के बाद, और हमारे पूरे बर्ड जो है वो कैल्शियम ब्लॉक को खाना कितनी तेज़ी में स्टार्ट कर दिए हैं। तो यही होता है दोस्तों, मैंने हमेशा बताया अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा आप इस तरह से फ्रेंडली रखिए कि बर्ड्स को लगना चाहिए कि सब कुछ उन्हीं का है। तो देखिए ये मैं आपको एक कैल्शियम ब्लॉक बिल्कुल क्लोज से दिखाता हूँ जिसे बर्ड अभी खा ही रहे हैं बैठ के यहाँ पर। देखिए और इस कैल्शियम ब्लॉक को देखिए इन्होंने कितने जल्दी कितना सारा खा लिया है, मैं इसको आपको पास से दिखा रहा हूँ। देखिए आप ये इसको ऊपर से इन्होंने कितना ज़्यादा अच्छे से खा लिया है, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये नीचे से भी देखिए तोड़ दिया है थोड़ा सा। ये कैल्शियम ब्लॉक को भी इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये चोंच के निशान आपको अलग ही दिख रहे होंगे, अलग ही बर्ड्स ने जैसे खाया है। और अभी मुझे लगता है एक आध घंटे में ये ऊपर का ये गोल गोल हिस्सा है ये तो पूरा गायब ही कर देंगे और फिर ये इतना नीचे का बचेगा तो आराम आराम से फिर उसे खाते रहेंगे। यहाँ पर भी एक कैल्शियम ब्लॉक है जैसे खा रहे थे वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बर्ड्स के चोंच के निशान आपको दिखना स्टार्ट हो गए होंगे। तो अब बर्ड्स को जो ज़रूरत थी कैल्शियम की वो यहाँ पर हमारी कैल्शियम ब्लॉक के द्वारा पूरी होना स्टार्ट हो गई है। बर्ड्स थोड़े से ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि आज अकेले वीडियो बनाने में दो दो काम करने में साथ में प्रॉब्लम हो जाती है, तो काम भी किया वीडियो भी बनाया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अंडे अभी एक से दो दिन में तीन दिन में जब बहुत सारी मटकी में आ जाएंगे फिर मैं पूरे अंडे आपको लाइन से दिखाऊंगा, मतलब एग वाला वीडियो प्रोग्रेस वीडियो आएगा कम से कम एक एक मटकी में दो दो अंडे तीन तीन अंडे होने के बाद। तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।